दिवाली में कैसे करें घर की सफाई, सफाई के दौरान क्या रखें ध्यान, कैसे घर आए की खुशहाली, आज मिलेगा शुभ दिन पर सबसे बड़ा ज्ञान। दीपावली से पहले अब जोर शोर से सफाई की जा रही है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का साफ सुथरे जगहों पर ही आगमन होता है, लेकिन इन सबके बीच कुछ सावधानियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। घरों में साफ सफाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खराब समझकर बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। अगर आपके घर में दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूलकर भी ना फेंकें। यह दोनों चीजें मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इन्हें धोकर घर में पवित्र स्थान पर रखते हैं। कहते हैं इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर की लक्ष्मी चली जाती है। इसके अलावा झाड़ू का भी ध्यान रखें। झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी झाड़ू घर में रखने से नकारात्मकता आती है, लेकिन अगर इसे फेंकना ही है तो गलती से शुक्रवार या गुरुवार के दिन ऐसा ना करें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा लाल कपड़े को भी ना फेंकें। कपड़ों की अलमारी से अगर कोई पुराना कूड़ा जिसका उपयोग ना हुआ हो लाल कपड़ा मिले तो इसे फेंकने की बजाय संभाल कर रख लें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। इसके अलावा पुराने सिक्के को भी ना फेंके। अक्सर सफाई के समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो शायद आज के दौर में जरूरी इस्तेमाल में ना आए, लेकिन इनके घर में होने से मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर दिव्य लक्ष्मी की पूजा में सिक्कों की भी पूजा की जाती है। इन्हें बेकार समझ कर फेंके नहीं। दिवाली की सफाई में अगर मोर पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मोर पंख श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मोर पंख को गलती से भी कचरे में ना डालें। कहते हैं घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत है। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर सुख और शांति का हमेशा वास होगा।